आजि बलांगी जिलार ओकिल संघ पक्षरु जिलापालंक कार्यालय सम्मुखरे एक धारणा दिया जायथिला। एथिरे जिलार समस्त बुद्धिजीवी ओ विभिन्न संगठन पक्षरु समर्थन करी तुरंत एहार कार्यकारी करबा पई राज्य सरकारंकु दाबी प्रस्ताव रखिथिले। एही आंदोलन बारंबार करा जाउछि हेले कोनोसी निष्पत्ति निया जाउ नाही। एपरि वैमात्रिक भेदभाव काहिंकि करा जाउछि बोली प्रश्न उठुछि। जदि राज्य सरकार देबा पई कष्टकर हेउछि तेबे आमकु संपूर्ण भाबे कोशल राज्य प्रदान करा जाउ। आमे स्थायी बेंच नुहे पूरापूरी भावे हाइकोर्ट आमर होइजिबो बोली उपस्थित बुद्धिजीवी महल रे दाबी होइछि। तेणुक अविलंबे प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करा जाउ नहले आगामी दिन में आहुरी तीव्रतर और जिलार राजधानी पर्यंत आंदोलन करा। हाइकोर्ट बेंच गोटे नुआ कथा नुहे अलरेडी एक्जिस्ट करुला आगुके पुनर्स्थापन करवा कार्यक्षम करवा लगे आम डिमांड उपस्थापन करुचु। बलांगीर हूँ यथार्थ स्थान आउ इश्यू रे विधानसभा भी मुझे अनेक थर ये प्रश्न के उठा हूँ। आम केन्द्र पाखे दाबी करुचु राज्य पाखे राज्य सरकार जेन अच्छे जे आम कटक हाइकोर्ट बैंड कटक हाइकोर्ट रेन गोटे स्थायी जेन तर जज रेन रेकमेंडेसन देवार कथा से आज दिन तक नहीं हेबार तो निश्चित भाव में यह हो। मान्यवर केन्द्र सरकार को किरण रिजु महाशय पार्लियामेंट से कथा कही चिठी भी लिखी चिठी लिखवारटा के कटक बार एसोसिएशन तरफ जेन भाया स्टेटमेंट दिगला जे आमे नाई चाहेबार बोलिकी तो यटा के मुझे कंडेम करुछे निंदा करुछे से मैंने गोटे वैमातृक मनोभाव नौछन पश्चिम ओडिशावासी प्रति तो ये आंदोलन के आहुरी जोरदार करबार समय आछे। बलांगीरू सनोज मिश्रों सहित फिरोज कुमार साहू को रिपोर्ट ओडिशा हाइलाइट समाचार।